वीडियो के अंदर मैं आपको दो HF दिखा रहा हूँ, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो। ये 450 HF है, 60 वाट का। ये 550 है, जिसको आप 518 भी बोलते हो। ये 80 वाट है, लमसम 20 वाट का इसके अंदर फ़र्क है। तो लोग इसको भी ना 450 नेटवर्क पे चलाते हैं। इसको 450 नेटवर्क पे मत चलाइए, ये 518 के नेटवर्क आता है। इस पर हमेशा अपना 550 या 518 ये HF यूज़ कीजिए। 20 वाट का फ़र्क होता है इसके और उसके अंदर। ये 450 का है और ये 518 का है। ये 450 ट्वीटर है जो आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, और ये 518 है। दोनों में फ़र्क देखिए कितना है। और लोग इसी के ऊपर ही 450 चलाते हैं, ये वाला नेटवर्क, और इसी के ऊपर ही ये 518 चलाते हैं। हालांकि इसके और इसके अंदर बहुत फ़र्क होता है। इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है ये 60 वाट है, ये 80 वाट है। मैग्नेट का साइज़ आप चेक कीजिए, काफ़ी फ़र्क आता है। हमेशा सही क्वालिटी के लिए 450 को 450 के साथ ही यूज़ कीजिए, और 518 के साथ ही मैचिंग करके लगाइए। इसके बाद आपको कभी इसके अंदर डायफ्राम की दिक्कत नहीं आएगी, और इसके अंदर कभी भी आपको कॉइल और रेजिस्टेंस की दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा मैचिंग के हिसाब से ही सामान खरीदिए। ये नहीं है भी आपके पास 450 नेटवर्क है और इसके ऊपर ये 518 लगा दो, तो वो मैचिंग कभी नहीं आती, आपको हमेशा प्रॉब्लम ही आती रहेगी। इसके और इसके अंदर 20 वाट का फ़र्क होता है। तो 450 के ऊपर 450 यूज़ कीजिए, और 518 के ऊपर हमेशा 518 ही यूज़ कीजिए।